तो मरुधरा में सियासी संग्राम का 28वां दिन है, जैसलमेर में कांग्रेस की किलेबंदी का 8वां दिन है और सदन के भीतर की रणनीति पर लगातार मंथन और चिंतन हो रहा है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, डे वन से आप वहां पर मौजूद है, आज किलेबंदी का 8वां दिन जैसलमेर में है, सदन के भीतर क्या कुछ होगा, अब उस रणनीति पर मंथन चिंतन हो रहा है क्योंकि अब वक्त काफी कम रह गया है और कल अहम फैसला भी सुनाया गया, कल अहम बातें भी कही गई हाईकोर्ट की तरफ से, आज क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ वहां पर हो सकता है? देखिए खुशबू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आज धीरे धीरे जो ये दिन कम हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल काउंटडाउन शुरू हो गया है, इन दिनों में कहीं ना कहीं एकजुटता की कोशिश होगी। देखिए हम आपको, आज बड़ा खूबसूरत सुबह है, यहाँ पर सुहानी सुबह है बारिश के बाद, कैमरामैन पवन आपको वो सूर्यगढ़ दिखाएंगे जहाँ पर कांग्रेस की किलेबंदी है। इस सूर्यगढ़ के सहारे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना सत्ता का गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है। इसी के भीतर है विधायक, मंत्री और यह कह सकते हैं राजस्थान की सरकार। दरअसल कल जो है एक मंच भी लगाया गया था, ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री आएंगे लेकिन बाद में कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसके बाद देर शाम एक सुरमई शाम सजी संगीत की, जिसमें जो है गजल की प्रस्तुतियां हुई और इसके बोल भी बड़े ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सियासी मतलब लिए हुए थे। तो कुल मिलाकर देखिए ये सूर्यगढ़ है जहाँ पर कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं। आज जहाँ तक बात है रघुवीर मीणा जो वर्किंग कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है शांति धारीवाल वगैरह तमाम नेता पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। शांति लाल धारीवाल ने कल कहा भी था कि 14 अगस्त को आप जादूगर की जादूगरी देखिएगा। तो ये मतलब ये जो भाषाएं हैं, ये जो बयान है इनके, ये कॉन्फिडेंस को बताते हैं कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और कल एक चीज और हुई खुशबू, बहुत संक्षेप में बता दूं मैं आपको, कल प्रशांत बैरवा मीडिया से रूबरू हुए थे। हालांकि ये बात कही गई थी कि उन्हें तो बाहर आना था, बीमारी तो एक बहाना था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल थॉट कांग्रेस के साथ है। वो सचिन पायलट की तारीफ करते नजर आए लेकिन उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट कैंप में कुछ रायचंद्र और राय बहादुर हैं जो सबसे पहले जयचंद बनेंगे, इसलिए उनका ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और भूल किसी से भी हो सकती है। तो ये जो भाषा बदली है आप देख रहे होंगे, ये सबसे बड़ा बात है क्योंकि बसपा वाला कल जो कहा गया, हाईकोर्ट ने जो कहा, खंडपीठ ने, और ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि तामील कराया जाए वो नोटिस, और ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, अगर वैसे तामील नहीं होता तो अखबारों में छपा जाए। लक्ष्मण वापस आपके पास आते हैं और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी देखिए, हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ भंवर सिंह भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं कल का दिन बेहद खास रहा है, क्या प्रतिक्रिया है, उनसे बातचीत भी कीजिए और आगे की रणनीति भी जानने की कोशिश कीजिए। देखिए निश्चित तौर पे खुशबू, महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरह लक्ष्मण राघव जी ने कहा कि लगातार काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगले जो दिन आएंगे वो लगातार और महत्वपूर्ण सरकार के लिए हो जाएंगे। भंवर सिंह भाटी हैं, बाकी लोग भी हैं जो रोज़मर्रा में सुबह उनकी वॉकिंग और रनिंग होती है, शहर में किले हवेलियाँ देखी जा रही है, मंदिरों में पूजा हो रही है, तीज त्यौहार होटल और यहाँ मनाए जा रहे हैं, ये कहें कि रात्रि की संगीत संध्या भी यहाँ पर हो रही है और ये होटल जो है एक मिनी सेक्रेटरेट की तरह भी हो गया है कि यहाँ पर जितनी फाइलें हैं वो अधिकारी यहाँ लेकर आते हैं और मंत्रियों से वो काम करा रहे हैं। सर सबसे पहली बात तो ये कि जो कल का ऑर्डर आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए भी और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए उन लोगों के लिए भी, क्या पूरी रणनीति उस पर बनाई जा रही है? देखिए बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में 6 विधायक हैं और पूरा उनका विधायक दल है, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी में विलय किया है और इसको 6 महीने से भी ज़्यादा का लगभग समय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनके वकीलों के द्वारा, बसपा के द्वारा जो कोर्ट में जो रिट लगाई गई है, मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्याय माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला होता है वो सबको मान्य होगा। लेकिन जो पूर्व में देश के अन्य राज्यों की यदि हम बात करें तो ऐसे प्रावधान भी बताए गए हैं कि विधायक 2/3 विधायक दल या विधायकों की संख्या यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होती है तो वो किया जा सकता है और कई जगह हुआ भी है, लेकिन चूंकि न्यायालय में मामला है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जो बसपा के विधायकों ने अपनी स्वेच्छा से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में विलय किया है, तो माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो
पूर्व में भी इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय हुए हैं, बहुत सारी पार्टियों ने किया, न सिर्फ बसपा ने बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के निर्णय हुए हैं। तो निर्णय मैं समझता हूं कि सरकार के हित में और पक्ष में आएगा। नोटिस को लेकर भी बात हुई है कि उन्हें नोटिस जो है वो तामील कराया जाए और स्थानीय अखबारों में छाप किया जाए और जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें कहा गया कि तामील कराएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक, बीटीपी के विधायक या निर्दलीय विधायक, सभी लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग जैसलमेर में सभी भाजपा का जो षड्यंत्र है, भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं जो विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए विधायकों को फोन करते हैं, ऐसे वीडियो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से राजस्थान के आमजन के सामने आए हैं। तो भाजपा के षड्यंत्र को विफल करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को बीजेपी के लोग धनबल के आधार पर गिराने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा उनका प्रयास है। उसको विफल करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, चाहे नोटिस की बात हो, कोर्ट का। वैसे भी विधायक, आपने जैसा अभी कहा कि विधायक शहर में भी जा रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग घूमने के लिए होटल से बाहर अभी आपके सामने खड़े हैं, तो ऐसी कोई बाड़ेबंदी जैसी स्थिति नहीं है। नोटिस भी है तो उसकी तामील भी होगी और हर तरह से हर विधायक स्वतंत्र है, अपनी स्वेच्छा से कोई दबाव नहीं है। आपने कहा भाजपा के षड्यंत्र का, अश्विनी आप लगातार हमारे साथ बने हुए और हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण कुछ सवाल करना चाहते हैं भंवर सिंह से। लक्ष्मण आप अपना सवाल कर सकते हैं। भंवर सिंह भाटी जी, सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग बड़ी तल्ख भाषा यूज की है कि कांग्रेस फड़फड़ा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि बार बार वसुंधरा राजे का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का खुद के घर शीशे का है, इसलिए उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर, प्रदेशाध्यक्ष जो सतीश पूनिया उनके इस बयान पर? सतीश पूनिया के बयान को लेकर पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जिनका घर शीशे का है उस पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कांग्रेस फड़फड़ा रही है, तो बड़े अजीब शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं। देखिए, सतीश पूनिया जी क्या कहते हैं, उनके बयानों को कोई राजस्थान, ना तो राजस्थान की जनता गंभीरता से लेती है और न खुद वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। उनको ये शायद ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए खुद फोन किए हैं। उनके वीडियो ऑडियो जो टेप हैं वो जनता के सामने आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2018 के विधानसभा के चुनाव में नकार दिया था और अब वो धनबल के आधार पर केंद्र सरकार के सहयोग से विधायकों को खरीद करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि देश स्वतंत्र है, राजस्थान में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को जिताया है, भाजपा को घर भेजा है, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे तरीके से धन बल के आधार पर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, वो कतई उचित नहीं है। वो एक तरफ नैतिकता की बात करते हैं, आज वो नैतिकता की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान में भाजपा को, राजस्थान में जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है, कांग्रेस की सरकार बनाई है। वो कह रहे हैं कांग्रेस का खुद का जो घर है वो शीशे का है। देखिए, कांग्रेस कभी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। बसपा के लोग स्वेच्छा से राजस्थान में कांग्रेस के साथ आए हैं। धर्मनिरपेक्ष सरकार को, सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने, बसपा के लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस को सपोर्ट किया है, कांग्रेस के साथ विलय किया है और सतीश पूनिया जी की पार्टी। चलिए, लगातार नजर रहेगी, आगे भी पल पल की अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए।